So in the last class, we have discussed about the p-type semiconductors and n-type semiconductors. In today's lecture, we are going to discuss about the p-n junction. P-n junction is formed by combining p-type material and n-type material. So in case of p-type semiconductor, what are the majority charge carriers? In p-type semiconductors, what are the majority charge carriers? होल Holes, yes. Because of trivalent impurities. And what are the minority charge carriers? इलेक्ट्रॉन Yes, electrons. And in n-type semiconductor, majority charge carriers are electrons. Yes, electrons are represented by this symbol E, और माइनस का सिंबल रहता है ऊपर. इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलते हैं होल्स. तो होल्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं H प्लस से. और इलेक्ट्रॉन हमें पता है सॉलिड डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे इन द डायग्राम, एंड होल्स लाइक अ बबल, लाइक दिस शेप होल्स रिप्रेजेंट करेंगे. तो जो पी टाइप मटेरियल में हमारे पास इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं, दोज आर नोन एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज. एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज बिकॉज वहां पे वेकेंट कंडीशन होती है, हमारे पास वेकेंट पोजिशन होती है. इन एन टाइप सेमी, ये आप एक तरीके से डिफरेंस की तरह भी नोट डाउन कर सकते हो. इन एन टाइप सेमी कंडक्टर जो हमारे पास होती है इम्प्योरिटीज, दोज इम्प्योरिटीज आर नोन एज डोनर इम्प्योरिटीज. तो अगर मैं एक स्लैब बनाऊ ड्रॉ करूँ फॉर पी टाइप सेमी कंडक्टर, इफ दिस इज अ पी टाइप सेमी कंडक्टर, दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं हम आगे आने वाली क्लासेस में जो करेंगे. आइदर जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज होती है, ये मैंने बताया था, इसमें जो हमारे पास सिंबल रहेगा वो इस टाइप से रहेगा. एक्सेप्टर है इसलिए माइनस है, लेकिन विद ईच एक्सेप्टर एटम वी हैव एसोसिएटेड वन होल. तो या तो हम इस टाइप से बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे सर्कल्स, ये हो गया पी पी टाइप. ये हम कौन सा ड्रॉ कर रहे हैं, पी टाइप. और ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे, हमको पता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो हमारे पास ईएचपी जनरेशन होता जी नहीं है. लेकिन जब हमारा जो डिवाइस है सेमीकंडक्टर मटेरियल है, वो हम उसको मिनिमम अगर रूम टेम्परेचर पे लेकर आते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर क्या होता है, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड जंप कर जाते हैं इन द कंडक्शन बैंड. दोज विल क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स. तो वो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, हमारे पास फ्यू नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पे जिसके नंबर ऑफ जो ये इलेक्ट्रॉन्स है फ्री कंडक्शन बैंड में, इनकी इनकी जो अमाउंट है दैट इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू होल्स. इन कंपैरिजन टू होल्स क्यों लेस है, क्योंकि ये तभी तो इसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कह रहे हैं. ओके तो अब ये जो मैंने ड्रॉ करा ऑरेंज डॉट से, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं. इसके करस्पॉन्डिंग होल्स भी जनरेट हुए होंगे ईएचपी जनरेशन में, लेकिन वो जो होल्स होंगे वो क्या होंगे, वो कंबाइन हो जाएंगे विद दीज इम्प्योरिटी वाले जो होल्स आ रहे हैं. तो होल्स हम हो गए हमारे क्या, यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स. दीज होल्स आर, चाहे वो ये हो या फिर ये हो, ये सारे होल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स. ओके और ये जो थर्मल एजिटेशन से हमारे पास ई एच पी क्रिएट हुए थे, जिस उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर नोन एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ओके क्लियर. नाउ दिस इज द डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप. इन द सिमिलर वे वी कैन ड्रॉ एन टाइप स्लैब ऑल्सो.
जनरली हम पी टाइप कैसे ड्रॉ करेंगे, ये तो हमने मैंने डिटेल्स वाला बता दिया आपको। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करें, दीज आर रिप्रेजेंटिंग एक्सेप्टर एटम्स। जनरली हम लोग क्या करेंगे जब हम आगे यूज करेंगे ड्रॉ करने हैं, तो हम वहां पे सिर्फ होल्स बना देते हैं इस टाइप से, जो मेजोरिटी है उनको लार्ज नंबर में होल्स हैं यहाँ पे मेजोरिटी, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेरी फ्यू इन कंपैरिजन टू दीज होल्स। आगे जो हम यूज करेंगे जनरली ये वाला पी टाइप यूज कर लेंगे, तो दोनों सेम है। इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर जो हमारे पास एटम्स ऐड होते हैं इम्प्योरिटी वाले, दोज आर नोन एज डोनर। डोनर क्यों बुलाते हैं, क्योंकि हमारे पास ईच एटम हैज एसोसिएटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, वन फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फाइव पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है ना, तो फाइव वाले फोर तो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और जो फिफ्थ वन होता है इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्री, तो वो हमारे पास फॉर्म करेंगे मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। लाइक दिस इन द सिमिलर वे एट रूम टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन में इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे वो तो ऐड हो जाएंगे विद दीज इम्प्योरिटी एटम्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, लेकिन जो होल्स होंगे वो क्या होंगे, फॉर्म हो जाएंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अगेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या थे, होल्स थे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ पे ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ माइनॉरिटी हो जाएंगे होल्स, और दीज आर दी मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसका सिंपल वाला डायग्राम बनाऊं तो उसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देते हैं, एसोसिएटेड एटम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती जब हम ड्रॉ करेंगे आगे सर्किट्स में, आगे डिटेल डायग्राम में इस टाइप से, और कुछ होते हैं होल्स वेरी फ्यू। तो ये क्या फॉर्म हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो नेक्स्ट वी आर फॉर्मिंग पीएन जंक्शन, PN junction by joining P-type material with N-type material. ये क्या हो गया मेरा P-type material हो गया, this is N-type material हो गया। सारी थी PN junction में हमें पता है कि यहाँ पे क्या होते हैं, majority charge carriers holes होते हैं like this, यहाँ पे majority charge carriers क्या होते हैं, electrons होते हैं like this, और यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, तो जब पीएन जंक्शन हमारे पास ये तो हो गया, टू टर्मिनल डिवाइस हो जाता है, पीएन जंक्शन जब फॉर्म होता है तो दिस इज कॉल्ड एज जंक्शन, जहाँ पे ये दोनों मटेरियल, वेयर दीज टू मटेरियल मीट, दिस पॉइंट इज नोन एज जंक्शन। तो नियर जंक्शन क्या होगा, जो ये होल्स होंगे और इधर की तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नियर आएंगे तो दीज विल रिकम्बाइन, रिकॉम्बिनेशन विल टेक प्लेस। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि अगर एक होल है और एक इलेक्ट्रॉन है नियर बाई कंडीशन में, दिस इलेक्ट्रॉन विल फिल दिस स्पेस दिस होल, तो यहाँ का भी आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीट हो गया और यहाँ का भी आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीट हो गया, तो दिस विल क्रिएट। तो अब ये है कि मेरे पास काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होंगे, रिकम्बाइन होते चले जाएंगे, ये वाले भी रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो रिकॉम्बिनेशन होने से क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होने से जो ये लेयर के इधर की साइड और लेयर के इधर की साइड क्या हो जाएगा, आयंस फॉर्म हो जाएंगे। आयंस मीन्स व्हाट, जिनका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीट होगा। यहाँ पे हमारे को पता है कि पी टाइप मटेरियल पे एक्सेप्टर आयन होते हैं, तो ये इसके पास जो वैकेंसी थी, जैसे मैंने लास्ट डायग्राम जो बनाया था डिटेल्ड वाला, वहां पे एटम के साथ एक वैकेंसी थी, दैट वैकेंसी इज फिल्ड बाय द नियर बाय इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या, यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, दिस विल फॉर्म
आयनिक लेयर लाइक दिस. इन द सिमिलर वे दिस इज लाइक दिस. इन द सिमिलर वे मेरे पास यहाँ पे भी एक आयनिक लेयर जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाला था एसोसिएटेड विद ईच इम्प्योरिटी एटम वो क्या हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर चुका है. तो अब यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन फिलहाल इस स्पेस पे नहीं है. तो एक पॉइंट पे आके क्या होगा जो ये रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का वो दैट विल स्टॉप. क्यों स्टॉप हो जाएगा बिकॉज दिस नेगेटिव आयन लेयर जो है और ये जो पॉजिटिव आयन लेयर है दिस विल स्टॉप द फर्दर मोर रिकॉम्बिनेशन. व्हाई फर्दर मोर रिकॉम्बिनेशन विल बी स्टॉप बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज हो गया आयन में और इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग नेगेटिव चार्ज. तो अब ये फर्दर मोर जो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजोरिटी वाले उन मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फ्लो होने से रोकेगा. क्यों क्यों क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव लेयर फॉर्म हो रही है एक आयन्स की. तो ये फर्दर मोर रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा एक पॉइंट पे आके. इन द सिमिलर वे मेरे पास यहाँ पे क्या है होल्स थे मेजोरिटी और यहाँ क्या फॉर्म हो रही है दिस पॉजिटिव आयनिक लेयर. तो फर्दर रिकॉम्बिनेशन विल बी स्टॉप. दिस इज नोन एज बैरियर. क्यों बैरियर बोल रहे हैं बिकॉज इट एक्ट लाइक अ बैरियर फॉर फर्दर मोर रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. बैरियर की तरह वर्क कर रहा है ये. दिस देयर फोर इट इज नोन एज बैरियर. ये पी टाइप था ये एन टाइप था. तो ये एक यहाँ पे जो बैरियर फॉर्म हो रहा है इसका एक बैरियर पोटेंशियल होगा. दिस बैरियर पोटेंशियल जो है इसके कारण फर्दर मोर रिकॉम्बिनेशन स्टॉप हो जाएगा. तो अभी हमने कोई भी एक्स्ट्रा बैटरी नहीं लगाई है. यहाँ पे देखो ये ओपन टर्मिनल्स हैं. हम इसमें बैटरी भी लगा सकते हैं एक्सटर्नल पॉजिटिव और नेगेटिव. दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड. बट अभी फिलहाल मुझे ये समझना है कि दिस टाइप ऑफ पीएन जंक्शन इज नोन एज अनबायस पीएन जंक्शन. क्यों बोल रहे हैं अनबायस पीएन जंक्शन इसको हम बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई हमने यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रखी है. क्लियर दिस पॉइंट. No external supply is connected between these two terminals. That's why it is known as unbiased p-n junction. Unbiased p-n junction में एक barrier form होगा because of the recombination of electrons and holes near the junction. But furthermore, recombination of electrons and holes will be stopped because of this barrier potential. So this is the point which is to be noted down here. This is forming barrier layer and this layer is also known as depletion layer. तो इसको हम depletion layer भी बोलते हैं. Because of this depletion layer, क्योंकि यहाँ पे negative ion charges, यहाँ positive ion charges है, this will act like a battery का जो होता है ना negative terminal plate and positive plate. So that's why ये जो potential develop होगा यहाँ पे, this potential is known as barrier potential. तो unbiased p-n junction and concept of depletion layer which I have already explained in detail. So what is p-n junction diode. So p-n junction हमने form किया उससे क्या device क्या electronic component form हो रहा है that is known as diode. Why it is known as diode because it has two terminals. It is a two-terminal device. That's why it is known as di means two. It is known as diode. And diode is a semiconductor device which has two terminals, and it allow flowing of current in one direction only. That's why the symbol of the diode is like this, this arrow. Arrow with this negative. This is showing negative side of the diode. Means n-type, n-side जो था, वो show कर रहा है यहाँ पे. And what is unbiased diode? When we do not apply any type of source or energy, then diode is known as unbiased diode. Means कोई भी external source हमने battery नहीं लगाया है, then that diode is known as unbiased diode.
इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द बायस डायोड आल्सो. सो हाउ द पीएन जंक्शन फॉर्म, वी हैव दिस टाइप ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर वी हैव होल्स इन मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स. दीज बोल्ड डॉट्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर. दीज बबल सर्कल्स आर होल्स एंड विच विल फॉर्म मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर. Similarly, in n-type semiconductors, we have electrons as majority charge carriers and holes as minority charge carriers. Here we can see that this is the number of the holes are more, much more in comparison to electrons. Here the number of electrons are much more. That's why known as majority charge carriers in comparison to holes. And these are the two terminals. This is known as anode terminal. This is known as cathode terminal. Anode because it is the positive terminal and cathode because it is a negative terminal. P side is called anode and N side is called cathode, and this is forming the junction which I have already explained in the last slide. That this is the junction. This terminal is known as junction, where the p-type and n-type material are joining. This point is known as junction. The combination of the electrons and holes will take place near the junction. So unbiased p-n junction, p region has this we have already discussed. This is the theory. Majority carriers holes from p side region will move or diffuse from p region to n region and combine with the electrons. In the similar way these electrons start diffusing towards the p region from the n type region and will recombine with the holes of the p region. This will form aur yahan pe kya hoga, whenever a hole of p region combines with electron of n region, it leaves an unneutralized donor ion in the n region. जो अभी मैंने draw करके दिखाया था कि जो n region है वहां पे हमारे पास donor ion form होगा. Donor is represented by plus symbol. And in the p region जो हमारे पास form होगा वो क्या होगा, acceptor ion form होगा after the recombination of the electron and hole. So कंटिन्यूअस जो हमारे पास है, कंटिन्यूअस रिकॉम्बिनेशन डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज दीज आयनिक जो लेयर फॉर्म हो रही है दिस विल स्टॉप द फर्दर मोर रिकॉम्बिनेशन. लाइक दिस एंड दिस विल फॉर्म द डिप्लीशन लेयर. जो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये हमारे पास रिकॉम्बिनेशन से आयनिक लेयर फॉर्म हो रही है विच इज नॉट हैविंग एनी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल फॉर करेंट कंडक्शन, दिस इज फॉर्मिंग द डिप्लीशन लेयर और बैरियर. दिस इज नोन एज द डिप्लीशन लेयर. इन डिप्लीशन लेयर देयर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स. यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल रिसाइड नहीं करेगा इन द डिप्लीशन लेयर. डिप्लीशन लेयर इज ऑल्सो नोन एज स्पेस चार्ज रीजन. इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेस चार्ज रीजन और ट्रांजिशन रीजन, कुछ भी बोल सकते हैं हम. ओके, तो ये हो गया हमारा डिप्लीशन लेयर. तो यहाँ पे हमारे पास जो मैं आपको बता रही थी बैरियर पोटेंशियल फॉर्म होता है, जो मैं व्हाइट बोर्ड पे बताया मैंने आप लोगों को, बैरियर पोटेंशियल जो हमारा फॉर्म होता है तो वैल्यू ऑफ दैट बैरियर पोटेंशियल इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड्स. डायोड जो फॉर्म हो रहा है दैट कैन बी अ सिलिकॉन डायोड और इट कैन बी अ जर्मेनियम डायोड.
तो 1.2 रिमेम्बर इज 0.7 वोल्ट इज फॉर सिलिकॉन बैरियर पोटेंशियल जो हमारा फॉर्म हो रहा है एंड 0.3 वोल्ट इज फॉर जर्मेनियम एंड दिस बैरियर पोटेंशियल बेसिकली डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टेम्परेचर द कंडीशन ऑफ दिस बैरियर पोटेंशियल इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इट डिक्रीजेस बाय 2 mV पर डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि सेमी कंडक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है टेम्परेचर के साथ इसका चेंज होता है कंडक्टिविटी और वी कैन से रेजिस्टिविटी तो यहाँ पे विद द चेंज इन टेम्परेचर वी बी डिक्रीजेस बाय 2 mV पर डिग्री सेंटीग्रेड तो बैरियर पोटेंशियल क्लियर हो गया आप लोगों को तो इन बायस डायोड क्या होगा बायस पीएन जंक्शन डायोड और वी कैन सिंपली कॉल इट एज डायोड इन बायस डायोड क्या होगा वी आर गोइंग टू यूज सम एक्सटर्नल वोल्ट एक्सटर्नल सप्लाई को हम टू वेज में कनेक्ट कर सकते हैं वन वे इज नोन एज फॉरवर्ड बायस कंडीशन अनदर वे इज नोन एज रिवर्स बायस कंडीशन ओके फॉरवर्ड बायस कंडीशन एंड रिवर्स बायस सिंपल सी बात है अगर सिमिलर पोलैरिटी इफ वी आर गोइंग टू कनेक्ट पी टाइप पी साइड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन साइड विद द पी साइड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन साइड विद द नेगेटिव मींस सेम पोलैरिटी इफ वी आर गोइंग टू कनेक्ट with the diode then it will work in forward bias condition in case of reverse bias condition p side is connected with the negative side of the external supply voltage yeah external supply and n side is connected with the plus then it is known as reverse bias condition so फर्स्ट कंडीशन इज फॉरवर्ड बायस कंडीशन इन विच एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ पी रीजन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल डीसी सोर्स एंड एन रीजन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सोर्स इट इज सेड टू बी इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन सो दिस इज द पी एन जंक्शन डायोड विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट स्लाइड जिसमें एक साइड पी टाइप का है एक साइड एन टाइप बहुत डिटेल्ड वाला नहीं है यहाँ पे डायग्राम सिंपली वी हैव रिटन पी एंड एन Even we can use the symbol of diode also. So, यहाँ पे क्या external supply voltage लगाई through the resistance R. We can note down here that this is the positive terminal of battery which is connected to the P side. This is the negative terminal of the battery which is connected to the N side. This is forming forward bias condition. And similar जो ये हमारा show हो रहा है दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई यूजिंग डायोड सिंबल ऑल्सो जैसे मैंने अभी बताया कि ये डायग्राम और ये डायग्राम बोथ आर सिमिलर दीज टू डायग्राम्स आर सिमिलर इन प्लेस ऑफ दिस पी एन जंक्शन हियर वी हैव ड्रॉन द सिंबल ऑफ डायोड डायोड सिंबल मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ दिस इज द एरो लाइक सिंबल एंड हियर दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप ड्रॉ करते हो कॉपी में तो कई बार स्टूडेंट भूल जाते हैं इसको ड्रॉ करना तो गलत हो जाता है ये ड्राई क्या ये जो लाइन है ये क्या शो करती है दिस लाइन इज शोइंग एन साइड ऑफ द मतलब मींस नेगेटिव साइड ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड ऑब्वियसली दूसरा वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव और हमको पता है ये ऑलवेज कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव व्हाट वी नो दैट कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड अगर कन्वेंशनल की बात की जाए बस तो यहाँ पे ये जो एरो शो कर रहा है दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव तो इसका डायोड का सिंबल जो है इसका भी एक मीनिंग है प्रॉपर दैट वी शुड नो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करंट का डायरेक्शन क्या होगा जो यहाँ पे शो कर रहा है रखा है सर्किट में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट तो हमें पता है कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो ये पॉजिटिव साइड से नेगेटिव
इवन जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन करते हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो एरो का डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा. बिल्कुल इसमें हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो एरो का डायरेक्शन है उसमें ही करंट फ्लो होगा. मैम दूसरी क्लास का टाइम